हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी और लड़का ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग पहुँचे हिंदी भवन के गेट के अंदर। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत माहौल है। यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर अविश्वसनीय है। देखिए, अंदर जाने के लिए लाइन, बड़ी बड़ी कतारें, लाइनें लगी हुई हैं। देख सकते हैं, ये है हिंदी भवन का मुख्य गेट, कितना ही भव्य रूप से दर्शाया गया है। तो साथ ही हम लोग चलते हैं हिंदी भवन के अंदर, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। देख सकते हैं, अंदर जाते वक्त तीन तीन कतारें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अष्टमी का दिन है और इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दर्शक देखने आते हैं, कुछ भक्त यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। आइए ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको हिंदी भवन के अंदर का नज़ारा। देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर, जाए अंदर जाने के लिए पति पति लाइनें लगी हुई, जहाँ पर धक्का मुक्की ना हो। और यहाँ देख सकते हैं सामने भव्य पंडाल बनाया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी हम लोगों को, क्योंकि हाँ, यहाँ का मुख्य थीम था पर्यावरण संरक्षण के बारे में था, जो पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष योगदान दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लड़कियाँ बैठाई गई हैं, जो देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित कर रहे हैं। देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर। साथियों, दोस्तों, आपको बता दें कि जो हिंदी भवन का पंडाल है, पूरे मऊ ज़िले में या अदर ज़िलों से काफ़ी बेहतर तरीके से इस बार विशेष रूप से चर्चा में आ रहा है, इसके थीम को लेकर और यहाँ के पंडाल को लेकर। साथियों, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष योगदान दे रहा है। और यहाँ पर लोग पौधे भी गिफ्ट कर रहे थे। अब दोस्तों, दिखाते हैं पंडाल के अंदर का माहौल कैसा है। देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। पूरे फूल पत्तियों से सजाया गया है अंदर से, और बाहर से भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रहा है हम लोगों को। दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा, अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ।